Allah, Rabbul Alemin. Of. Allah. दानी, तुमको तकलीफ तो नहीं? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तुम जाके सो जाओ ना। तुम्हारा सर तो नहीं दुख रहा? नहीं भाई, नहीं, जाओ सो जाओ ना, जाओ। अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, क्या बनेगा? अल्लाह, दानी, क्या बात है? क्या नींद नहीं आ रही? नींद आ रही होती तो मैं सुबह के 2:30 बजे खुदा खुदा कर रहा होता। क्या बात है? क्या बात है? तुम्हें कुछ पता नहीं? बेडरूम का टेम्परेचर 12 डिग्रीज है। जुलाई की 23 है, बाहर हीट वेव चल रही है, और मुझे यूं लग रहा कि मैं वहां बेडरूम में नहीं देख रहा हूं, मैं कहीं कुतुब शुमारी पहुंच गया हूं। ऐसा करते मैं इसी बंद कर देती। मैं तो फिर सांस किस तरह लूंगा? बाहर 89 डिग्रीज, अंदर 12 डिग्रीज। मेरी तो बाहर और अंदर दूरी तरह से बहुत है। धनी, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 1 घंटे के वास्ते एसी बंद कर देती हूँ। जब गर्मी लगेगी तो दोबारा चला लेंगे एसी। हर घंटे बाद? यानी एसी खोलने और बंद करने के दरमियान सिर्फ 8 मिनट की नींद नसीब होगी। धनी, मैं उठ जाया करूंगी, मैं उसको खोल दिया करूंगी, मैं बंद कर दिया करूंगी, बस। मानो मैंने तुमको कितनी मर्तबा कहा है कि तुम उस कंपनी को फोन करके बताओ कि हमारा एसी काम नहीं कर रहा है, वो आके ठीक क्यों नहीं करते? पहले मैंने फोन किया था, उनका आदमी भी आया था, उसने एसी खोला, चेक किया, वो कहता है जी कोई खराबी नहीं। क्या बात करती हो तुम? अरे मैंने उसको लो पर लगाया हुआ है और कमरा यक हो रहा। तो बताओ दानी, फिर मैं क्या करूं? तुम कहते मैं बंद कर देती हूँ, तुम कहते मैं खुला रहती हूँ, तुम जैसे कहो मैं वैसे ही कर देती हूँ। मानो जाओ, तुम खुदा के लिए सो जाओ। तुम ऐसे टेंस रहोगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी, बताओ? भाई मैं टेंस नहीं हूं, मैं क्या खो रहा हूं? दानी, तुम टेंस हो मेरी जान, तुम तमाम हफ्ता टेंस रहे हो। अच्छा देखो, अगर तुम्हारा यहां सोने को जी करता ना तो मैं यहां बिस्तर कर देती हूँ तुम्हारा, ठीक? अरे यहां टेंस से बैठा तो जाता नहीं, यहां बिस्तर कर देती हूँ। अरे तुम ये फजूल कुशल क्यों रख देती हो? यहां हजारों रुपए खर्चे जाते हैं फर्नीचर के ऊपर, और अपनी चेयर से बैठ नहीं सकता। क्या मुसीबत? मैं उठाती हूँ। मानो मैं कह रहा हूं कि तुम जाओ, जाकर के सो जाओ। सो जाऊंगी, सो जाऊंगी भाई, बात ना आकर सो जाऊंगी ना। देखो मुझे पता है कि कुशंस और एयर कंडीशनर तुम्हें से बहाना है, बात कुछ और है। देखो जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है प्लीज मुझे बता दो, क्या परेशानी? कह तो रहा हूं कुछ नहीं है, बस थकन सी। देखो दानी, अब नींद तो खुल ही चुकी है, तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चीज तंग कर रही है, तुम्हें क्या चीज परेशान कर? मुझे कुछ पता नहीं है क्या चीज है, या फिर हर चीज है। ये फ्लैट, ये बिल्डिंग, ये शहर, ये सब कुछ मुझे काटने को दौड़ रहा है। सुनो,
सुबह के 2:30 बज रहे हैं और एक कार ड्राइव करके क्लिफ्टन हाइट्स में दाखिल होती दिखाई दे रही है और उसकी आवाज यहां सुनाई दे रही है, यहां 14th फ्लोर। समझते थे यहां आराम होगा, सुकून। यहां तो सड़क का शोर सड़क से ज्यादा साफ सुनाई देता। मगर दानी हमें यहाँ रहते हुए पूरे 6 साल हो गए, पहले तो कभी तुम्हें इन चीजों ने परेशान नहीं किया। शायद इसलिए कि अपने रूम ज्यादा हो गई, इसलिए आवाज और शोर के मामले में मैं हसास हो गया। मैंने 10 सेकंड के लिए दरवाजा खोला और मेरे सारे कपड़े धूल बैठ गए। मैं धूला बजावा निकाल देती हूँ अभी। जस्ट रिलैक्स नानी प्लीज, मैं अभी धूला बजावा तुम्हें निकाल दूँ। सुबह के 2:30 बज रहे हैं, ये साफ वाले क्या हो गया है तुम्हें? ना सुनाई नहीं देता? अरे सुनोगी तो सुनाई देगा। ये हो रहा, ये come on baby, come on baby, come on baby, I will give you my love, I will give you my love, I will give you my love। ये सुनाई दिया? नहीं, इसलिए कि जब तुम चीख चीख के गाओगे तो मैं कैसे सुन पाऊंगी? ये वही दो एयर होस्टेसेस हैं, हर रात के यही किस्से हैं, हर रात पार्टी चलती रहती है। अगर इसका कोई बॉइंग इस वक्त सलाम में परवाज कर रहा होगा तो मुझे यकीन है तो उसके मुसाफिर अपने खाना किचन से निकाल के, क्योंकि ये दो बंदियां तो ना 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 फ्लैट से निकलने के नाम ही नहीं देती। तुम क्या करेगी? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? सुनो सुनो, सुनाई दिया? सुनाई दे रहा है, लेकिन दानी तुमसे किसने कहा है कि तुम दीवार के साथ कान लगा के सो? तुम आराम से अपने बेडरूम में सोया करो। बात करो, ये जो बात करो, दानी खुदा का बात कर रहा है। दानी दानी तो गॉड सेक, दीवार पीटने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे अपने हाथ दुख जाएंगे। भलो खुदा का वास्ता है, तुम जाओ और जाकर के सो जाओ। दानी देखो, तुम्हें गुस्से के दौरे पड़े, मैं जाके सो जाऊं कैसे? अरे मुझे गुस्से के कोई दौरे नहीं पड़ रहे। मैं टेंस हूं। दानी तुम ऐसा करो कि तुम एक ट्रैंक्विलाइजर ले लो। ले चुका हूं। तो फिर एक एक और ले लो। एक और भी ले चुका हूं। दो ट्रैंक्विलाइजर्स लिए हैं तुमने, तो देखो दानी फिर तो असर डेफिनेटली लाजमी होगा। असर उनका असर खत्म हो चुका है। ट्रैंक्विलाइजर आदमी किसी भी लेता है ताकि आसाब को सुकून नसीब। तुम देख रही हो मेरे आसाब किस तरह खींचे हुए। क्यों? इसलिए कि गोली में कुछ होता नहीं है। ऊपर से धन ट्रैंक्विलाइजर लिख के लगाने के 200 रुपए। अरे कभी फ्लाइट लेके भी चली जाया करो बदमाश, कभी लंदन न्यूयॉर्क और पेरिस में भी किसी की नींद हराम करो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें परेशानी क्या है? दानी लिसन टू मी प्लीज। अरे हम जी किस तरह रहे हैं? हम यहाँ हजारों रुपए इस घटिया फ्लैट पर किस बात के खर्च कर रहे हैं जब यहाँ सुकून नाम की कोई चीज नहीं? दानी देखो तुम बीमार हो जाओगे। दानी दानी तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बुझ सा गया है। तुम्हें कोई शौक से तुम आप इस तरह सूट के यहाँ पर नहीं आ गया था?
शोभा किस बला की शान शोभा। ये लोग इस बला की गर्मी में यह कूड़ा बाहर क्यों फेंक देते हैं? ये उन जंक फूड की दुकानों के कूड़े हैं जो सड़क पर फेंक देते हैं और कूड़ा गाड़ी इसलिए उठाने नहीं आती क्योंकि वो पता नहीं देते। हर रात हजारों की तादाद में आके गाड़ियां खड़ी होती हैं और लोग बैठ के खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि दूसरे भूखे मरे। जाओ जाओ भूसू को। नहीं मुझे भू आ रही। जाओ भूसू को। चलो भू जहां से कहां से आएगी? भू के लिए वहां जाना पड़ता है तब पता चलता है भू होती क्या। बहुत बहुत ही गंदी बू है तो, लेकिन ये बू यहां से आ रही है, वहां से नहीं आ रही। दानी अपने ही कूड़े के नीचे दफन होता जा रहा है। हर रोज ऊंचा ऊंचा और ऊंचा होता चला जा रहा है और तुम देख लेना कि आखिर में ये सब कुछ सारा कूड़े का ढेर हो जाता। तो दानी मुझे ये बताओ कि फिर लोग कूड़े का क्या करें? क्या वो अपने घर में जमा रखें गर्मियों में ताकि सर्दियां आए तो फिर उसको बाहर उठा के फेंकें? फिर कूड़ा फेंकने के लिए होता है दानी, वरना कूड़ा क्या हुआ? बानो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तुमसे तो बात करना एक बेकार दानी। आई एम ह्यूमन, तुम्हारी तरह मैं इंसान हूं दानी। मुझे सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, शोर सुनाई देता है, बदबू आती है। अब इन सब चीजों के साथ रहना है तो रहो, वरना मत रहो। अगर इंसान हो तो तुम इसके खिलाफ आवाज उठाओ, बल्कि हाथ उठाओ। मैं तो इस राम के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगर ये कुत्ता भौंकेगा तो मैं इस पर चिल्लाऊंगा। दानी, दानी प्लीज चुप हो जाओ। खुदा की दानी चुप हो प्लीज। अब तुम सारी रात अगर कुत्ते के ऊपर चिल्लाते रहे तो मैं कैसे सो पाऊंगा? सारे रात की अगर ये कुत्ता भौंकता रहा तो तुम सो जाओगी, नींद आ जाएगी तुम्हें। चुप जाओ अपने कुत्ते को, यहाँ इंसान सो रहे हैं, यहाँ बच्चे सो रहे हैं। मेरे ऊपर से क्यों चिल्ला रहा है? अगर इतनी तकलीफ है तो लौट नीचे जाओ, मिलकर तुम कुत्ते के साथ भागो, अच्छे लगोगे। दानी प्लीज चुप हो जाओ, खुदा की दानी चुप हो जाओ। आई बेग ऑफ यू चुप हो जाओ दानी, प्लीज चुप हो जाओ। वो खबरदार तो मुझे तुमने चुप होने को कहा। पता नहीं तुम्हारे पर क्या सवार हो गया, लेकिन मैं दूसरों का गुस्सा तुम्हें अपने ऊपर उतार नहीं दूंगी। दानी सोने जा रही हूं। बानो बानो रुक जाओ, बानो रुक जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। यहां हो, यहां मेरे साथ बैठो, यहां हो। सब कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। मेरा दिमाग, मेरा दिमाग शल हो रहा है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? मैं खो गया हूं मानो, मैं तलाश कर रहा हूं अपने आप को। क्या तुम काफी अरसे सोए नहीं हो ठीक से? सिर्फ बात इतनी है, मुझे आधे वक्त पता नहीं होता कि मैं कहा हूं। मैं यहां से तीन तलवार फेंक जाता हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और मुल्क में आ गया, जैसे मैं अपने मुल्क में नहीं हूं। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। नहीं बाबू, तुम नहीं जानता, मेरी गिरफ्त खत्म होती जा रही है। रोजमर्रा के काम मुझसे नहीं होते, मेरे दफ्तर की मेज पर
گھنٹی ٹیلی فون کی سات مرتبہ آٹھ مرتبہ بجتی ہے تب جب میرے کانوں کو خبر ہوتی ہے. آج صبح کو میں واٹر کولر سے پانی کے لینے کے لیے گیا تو پانی کیر کیر کے میرے جوتوں پہ بہ رہا تھا اور میں گلاس ہاتھ میں لیے جانے کہاں گھوم تھا. یہ صرف تمہارا پرابلم نہیں ہے, یہ سب کا پرابلم ہے. ہم پانی ہم ایسا نہ کریں کہ ہم ہفتے دو ہفتے کے لیے کہیں باہر چلے جائیں. یہ کیکٹس کا پودا بھی یہاں دم توڑ دیا. دنیا کا سب سے سخت جان پودا جسے صرف دو مرتبہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے سال میں. جس شہر میں کیکٹس زندہ نہیں رہ سکتا اس میں انسان کیسے زندہ رہ سکتے. انسان جو ٹینکر سے پانی خرید کے پیتا ہے, جو جس نے انسان جس نے پانی کو تجارت بنا دیا ہے. اور تم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے پانی وہ خوفناک دن جب میت کو غسل دینے کے لیے بھی یہاں پانی نہیں. اچھا بتاؤ پھر کیا سنا ہے؟ ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنے دفتر سے دو ہفتے کے لیے چھٹی لے لو اور ہم کہیں باہر چلے جاتے. چھٹی تو لے لوں گا, میرا ڈر ہے کہ کہیں ہمیشہ کے لیے چھٹی نہ ہو جائے. کمپنی تمہاری ابھی تک ٹھیک ٹھاک چل رہی تو پھر کیا پریشانی؟ اب کوئی بندہ دیر سے نہیں آتا دفتر, سب وقت پر پہنچتے. اگر وہ وقت پر نہ پہنچے تو ان کی میز آکشن ہال میں پہنچ جائے گی. اچھا تو تم نوکری کی وجہ سے پریشان؟ دیکھو دانی, رسک دینے والا اللہ ہے. ایک دروازہ بند ہوتا ہے دس دروازے کھل جاتے ہیں. تمہیں کہیں اور نوکری مل جائے گی. کہاں سے مل جائے گی نوکری؟ میری عمر کی آدھی آدھی عمر کے دو لڑکے ان کو اسی تنخواہ پہ مل جائیں گے. اچھا چلو مان لیا کہ تمہاری نوکری چھوٹ جاتی, ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں. اپنا ملک چھوڑ کے؟ دانی, بنانے والے نے صرف ایک یہی ملک تھوڑی بنایا, پوری دنیا بنائی ہے اس نے تو. ہم انگلینڈ جا سکتے ہیں. وہاں ان کو اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے, ہمیں کہاں سے کھلائیں گے؟ ان کے ملک میں ہمارے ملک سے زیادہ بے روزگاری. تو ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں گے. کہاں چلے جائیں گے؟ کون سا ملک ہے جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ لیبیا, بیروت, ایران, عراق. راشن کے کھانے, بے روزگاری کے اڈے, وہاں صرف ایک کام رہ گیا ہے لوگوں کے پاس, کرسیوں کی مرمت. کیونکہ سارا سارا دن کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. دیکھو دانی, میری بات سنو, تم جہاں جس ملک کا نام لوگے نا یا جہاں بھی کہو گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. میں جنگل میں رہ لوں گی, درخت پہ سو لوں گی, میں کٹیا میں لیٹ رہوں گی, صحرا میں, سب جگہ. تم جہاں کہو گے دانی میں تمہارے ساتھ. کل پھر ایسا کرتے ہیں کہ کسی ٹریول ایجنسی سے چٹاگونگ کی دو ٹکٹیں بنوا لیتے ہیں. وہاں سے رانگا مٹی بہت قریب ہے اور سنا ہے کہ وہاں آج بھی انسان بے لباس پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی پتے باندھ کے پھریں. تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بالکل باغلی ہو چکی ہوں. یہ سب کچھ تو میں تمہاری خوشی کی خاطر کہہ رہی ہوں.
मैं तो किसी चीज की जिम्मेदार नहीं, मैंने तुम्हें इस हाल पे तो नहीं पहुंचाया। तो मैंने तुमसे कब कहा बानू कि तुमने मुझे इस हाल में पहुंचाया? फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो दानी, या किसी से भी तुम क्या चाहते हो? वक्त, एक लम्हा सांस लेने की मोहलत। ये किसका फोन हो सकता? दफ्तर से तो नहीं हो सकता। रात के पौने तीन बजे दफ्तर से बंद हो सकता है, चौकीदार की ड्यूटी लगा दी हो। फोन पर बता दो कि छुट्टी हो गई है, एक दिन की तनख्वाह बच जाएगी ना उनकी। दानी दानी प्लीज जाके फोन सुनो, उलझन हो रही खुदा के लिए। हेलो जी, जी हाँ जी, ये 16 ए है क्या? है मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो रही है? अच्छा अच्छा, पहले आप ये बताइए कि हमारी नींद किसने खराब की? बताओ बताओ, मेरी मर्जी है जितना ऊंचा बोलू, मेरा फ्लैश है। हाँ क्या? अच्छा अच्छा, तुम दीवार पीटोगी? पीटो, जाओ जाओ पीटो, तुम जितनी बार पीटोगी हम उतनी बार पीटेंगे। आनो जब ये दीवार पीटे तुम भी पीटो। चुप हो जाओ खुदा के लिए, बस दानी प्लीज दीवार जा करके पीटो। दानी झगड़ा करने का ये वक्त नहीं है खुदा, जाके दीवार पीटो। अच्छा पीटो, अब मजा आया। और पीटो और पीटो, पीटी जाओ पीटी जाओ, रुको ना पीटी जाओ। हाँ जी बेब, मैं मिसेस दानिश जहाँ जी, देखिए मेरे घर डाका पड़ गया है जी जी जी, अभी जैसे मैं घर में दाखिल हुई तो जी जैसे मैं दाखिल हुई देखा वो सब कुछ लूट के ले गए। जी हाँ जी, दरवाजा जी खुला हुआ था दरवाजा जी, वो चंद मिनट पहले ही निकल के गए होंगे जी जी। अगर मैं चंद मिनट पहले आती हूँ आ जाती तो मेरे यहाँ लाश पड़ी होती, आप कमाल की बातें करते जी। देखिए मुझे ठीक से पता नहीं है कि वो क्या कुछ लेके गए हैं, टीवी, वीसीआर, रिकॉर्ड प्लेयर, किताबें, कपड़े, मेरे शोहर की तो अलमारी पूरी खाली कर दी सी जी। फ्लैट 16A जी। देखिए प्लीज आप जरा जल्दी किसी को यहाँ भेज दीजिए जी। नहीं जी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पर जी। नहीं, मेरे शौहर अभी नहीं लौटे हैं दफ्तर से, मैं आपको बता तो रही हूँ कि अभी वो नहीं लौटे हैं दफ्तर से जी। देखिए बस जी, मेरी जान बच गई इसलिए कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं थी, वरना तो
ट्रैंकुलाइजर, मुझे ट्रैंकुलाइजर लेना चाहिए। तुम आ गए? बानो, क्या बात? सफाई वाली नहीं आया आज? आज जुमा है, वो जुमे को नहीं आती। तो ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? ये तमाम चीजें इस तरह से बिखरी हुई क्यों? चोरी हो गई। चोरी हो गई है? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? चोरी समझ में नहीं आता? चोर घर में आते हैं, घुस जाते हैं घर में, चीजें उठा के ले जाते हैं, घर लूट गया है मेरा। ओहो, भाई मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा था, ये सब कैसे हुआ? क्या क्या ले? पता नहीं, मैं तो 5 मिनट के वास्ते नीचे गई थी, जब मैं वापिस आई हूं तो ये नक्शा पाया मैंने। तुम 5 मिनट के लिए तो नीचे नहीं गई हो? ये सब कुछ 5 मिनट का काम तो नहीं? मैं बक रही हूँ, बकवास कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं 5 मिनट के वास्ते नीचे गई थी। तो मतलब कराची में जितने चोर उचके लुच्चे लपाड़े बसते हैं वो सब के सब इकट्ठा ही आ गए होंगे? कोई भी हो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ 5 मिनट के वास्ते नीचे गई थी। एक बात बताओ, तुम जब बिल्डिंग में वापिस आई हो तो तुम्हें कोई मशकूक या मुश्तबा आदमी तो नजर नहीं आया? मुझे तो इस बिल्डिंग का हर आदमी मशकूक नजर आता है। ओहो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने किसी को गठरियां, डब्बे या कोई इस किस्म की चीजें उठा करके ले जाते हुए तो नहीं देखा? मैंने गौर नहीं किया। गौर नहीं किया का क्या मतलब है? अब इस बिल्डिंग से जो भी आदमी नीचे जाए या नीचे उतरे तो मैं उसको ये देखूं कि वो डिब्बा जो लेके जा रहा है हमारा कलर टीवी तो नहीं लेके जा रहा? वो कलर टेलीविजन भी चला क्या? ब्राइट 25 इंचेस का कलर टेलीविजन। अरे खुदा के लिए देखो, प्लीज मुझसे बहस मत करो, मेरी मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी, मेरा घर लूट गया है। अरे अरे तो मैं यहाँ क्या हूँ? किरायेदार हूँ। तुम्हारा घर लूटा है तो मैं यहाँ भी लूटा। मेरे को प्लीज खुदा के लिए चीखो चिल्लाओ मत, अगर तुम अपसेट हो तो मैं भी बहुत अपसेट हूँ, मत चीखो मेरे ऊपर। I'm sorry. लेकिन काम करो प्लीज। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं ट्रैंक्विलाइजर ला दूँ, ठीक है? नहीं, मैंने नहीं खा ली। नहीं, गोली खा लो ना। मैं नहीं खाऊंगी, कह दिया। ये दम से तुम्हें जिद क्यों हो जाती है? जिद नहीं है, ट्रैंक्विलाइजर भी ले गए। वो ट्रैंक्विलाइजर भी ले गए? वो फ्रॉड इन हेवन। दवाओं की पूरी पूरी कैबिनेट खाली कर गए, डिस्प्रिंस, एस्प्रिंस, माउथ वॉश, हेयर स्प्रे, रेजर्स, ब्लेड, हेयर स्प्रे, सब चीजें ले गए, सिर्फ एक तुम्हारा टूथब्रश छोड़ गए। मैं नहीं मानता कि जो ये God.
हम बहुत आदमी जिस चोरी की गाड़ी में बैठ के गए वो किसी पुल से टकरा जाए उसमें आग लग सब चल के मर। तुम रोज अखबार में पढ़ते थे और भूल जाते थे, आज तुम्हारे साथ हुआ तो एहसास हुआ तुम्हें? ना, वीसीआर टेलीविजन हाई फाइव इसकी हद तक तो मैं मानता हूं कि चलो ठीक, ये रिजल्ट ब्लेड टूथपेस्ट हेयर स्प्रे हेयर क्रीम और इनके कितने पैसे मिल जाएंगे? बहुत ही बेसब्रे लोग होंगे, जितना कुछ उठ सकता था सभी कुछ उठा के लिए। पूरे 130 रुपए मैंने घर के खर्चे में से बचा के रखे, वो तक ले गए। वो कहाँ रखे थे? किताब में रखे थे। ये रखने की जगह थी? क्या बात करते हो तुम? तुमने कभी सुना कि कोई माउथवॉश और हेयर स्प्रे चुरा के लेके जा रहा हो? ये वो लोग करते जो जहनी मरीज होते हैं, और आज दुनिया में सिर्फ जहनी मरीज जिंदा है बस। जान, फिक्र की बात नहीं है। अरे तुम जिंदा सलामत हो, ये कम है, है? यही बहुत है हमारे लिए। पानी, अगर मैं 5 मिनट पहले आ जाती तो मैं क्या करती? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बानो के तुम इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी। नहीं, तुम मान लो कि अगर मैं 5 मिनट पहले आती तो मैं क्या करती? तुम उस वक्त यहाँ थी तो नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं कह तो रही हूँ कि तुम फर्ज करोगे कि मैं आ जाती तो फिर क्या होता? तो तुम इस किस्म का फजूल सवाल क्यों कर रही हो? अरे भाई तुम ऐसा हुआ तो नहीं ना, 5 मिनट पहले मैं आ जाती तो ऐसा हो चुका होता? मैं नहीं मानता कि तुम सिर्फ 5 मिनट में ये सारा सामान उठा करके यहाँ लाने के लिए हमें 5 मजदूर ही गेट करने पड़े थे। मैं कैसे मानू कि सब कुछ वो 5 मिनट के अंदर समेट के देखे? 7 मिनट लगे होंगे, 8 मिनट लग गए होंगे, उसे क्या फर्क पड़ता? दरवाजे का लॉक भी ठीक है, वो आए कैसे? कहां से घुसते कैसे यहां? कहीं सड़क पे से चाबी मिल गई हो? क्या बात कर रही हो, चाबी मिल गई हो? चाबी तुम्हारे पास नहीं थी? वो गुम हो गई थी। पहले तो मैं समझी कि यही कहीं घर में गिर गई है, फिर ख्याल आया कि शायद सड़क पे कहीं गिर गई। जब तुम्हारे पास चाबी नहीं थी तो तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि तुम बिल्डिंग में वापस कैसे आओगी? दरवाजा मैं खुला छोड़ दरवाजा खुला छोड़ गई, फिर और मैं क्या करती? चाबी मेरे पास नहीं थी, मैं घर पे वापस कैसे आती अंदर? इसलिए तुम दरवाजा खुला छोड़ गई। ऐसे शहर में जहाँ जरायम का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है वहां तुम दरवाजा खुला छोड़ रही, तो फिर और मैं क्या करती? सारा फर्नीचर उठा के अपने साथ लेके जाती? बताओ अब मुझे क्या पता था उसके वो मैं जाऊंगी सिर्फ 5 मिनट के वास्ते और वो लोग फौरन आ जाएंगे। उन्हें खबर होती, उन्हें पता होता? मुझे नहीं पता था कि मैं 5 मिनट के वास्ते जाऊंगी वो फौरन आ जाएंगे। ठीक, मैंने एक जुआ खेला था हार गई। अरे ये कैसा जुआ था बाकी? अरे ये कैसा जुआ था जो तुम हार गई और वो सब उठा के ले गए? रानी वो शॉपिंग भी तो करनी थी ना, इसलिए रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं था घर में। तुमने स्टोर वाले को फोन करके ऊपर क्यों नहीं मंगवा लिया? अगर पहले भी तो वो लड़का ऊपर पहुंचा के जाया करता था। अब मैं सस्ते वाले स्टोर से खरीदती, वो नहीं ऊपर पहुंचा के जाते। तुम्हारी बातों से मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने सोचा कि
अब मैं हर चीज में जो है बचत करूंगी। क्या कर रही हो? चीजें समेट रही हूँ और क्या कर रही हूँ? ये तो पता कैसे चलेगा क्या चीज कम है क्या चीज कम नहीं? क्यों तुम्हें लेना नहीं आता कि क्या चीज कम है और क्या चीज कम नहीं है? क्या चीज कम है? तुम बताओ क्या चीज कम है? अरे क्या पूछ रहा हूं, क्या चीज कम है? अरे क्या चीज कम है? खुद जाके देख। मेरे सूट कहाँ है? वो सुबह तो यही थे, अगर नहीं है तो जाहिर है वो ले गए होंगे। सात सूट, दो ब्लेजर, एक स्पोर्ट्स जैकेट, नौ पतलून, स्कार्फ, टाई, सब कुछ। अगर इतने थे तो फिर नहीं ले गए? शुक्र है मैं अपना थ्री पीस सूट नीचे लॉन्ड्री वालों के पास स्त्री के लिए छोड़ा है। वो लड़का आया था स्त्री वाला, वो सुबह ही दे गया। ओ, ओ हराम, हराम, चोरो, कुत्तो, लुटेरो, ओ, 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 कुछ सूट ही तो थे, उनका इतना हम क्या करना? ये तो मैं खरीद लिया ना। कहां से खरीद लू, पैसे कहां से आएंगे? मेरी नौकरी छूट गई। मुझे नौकरी से जवाब मिल गया, सिर्फ मुझे नहीं मेरे साथ और भी नौ एग्जीक्यूटिव्स को, हम सब साथ ही एलिवेटर से उतरे थे। दानी, आई एम सो सॉरी दानी, तुम पर क्या गुजरी होगी, मैं भी आज ही के दिन तुम्हें छुट्टी देनी थी। कमबख्त, एक तो नौकरी गई, घर आए तो चोर सारा कुछ लूट के ले गए। इतना मनहूस दिन था आज दानी, सो सॉरी। छुट्टी आज के दिन नहीं हुई है, छुट्टी तो पीर के दिन ही हो गई थी। पीर से? चार दिन से तुमने मुझे छुपाई रखी है बात? समझ में नहीं आता था कि मैं तुमको किस तरह बताऊं, हिम्मत नहीं। सोचता था शायद कहीं अच्छा हो जाए, कहीं और नौकरी का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन जब इंसान की उम्र 47 की हो जाती है तो फिर मौत से मुंह मोड़ लेते। पीर से लेकर अब तक तुम क्या करते थे, वक्त कैसे गुजरता था तुम्हारा? सुबह घर से निकल के चंद लोगों को फोन करता था कि शायद कहीं कोई नौकरी का बंदोबस्त हो जाए। सुबह घर से निकल के चंद लोगों को फोन करता था कि शायद कहीं कोई नौकरी का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन तुम हमारे में जब इंसान का काम पड़ता है किसी से तो सुबह 10 बजे ही फोन पर जवाब मिलता है कि साहब लंच पे गए हुए। उसके बाद मेरा मकसद आवारागर्दी करता था, कभी पार्क के बेंच पे जाके बैठ जाता था, कभी किसी लाइब्रेरी में जाके किताब खोल के बैठ जाता था, कभी
किसी आर्ट गैलरी में चला जाता है, कभी किसी पेंटिंग की एग्जीबिशन का, इस तरह वक्त गुजार। पता नहीं तुम घर चले आते। घर आके क्या करता मैं? मैं तुम्हारे वास्ते अच्छा सा लंच बना दिया करती थी। मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं मुझे खुला नौकरी मिल जाएगी। हाँ, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिली, मुझे पता है। अरे तुम्हें पता है? हाँ। एक रोज आप पार्क में बैठे बैठे मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया। क्या? मैंने सोचा कि इस शहर से हम कहीं दूर चले। हाँ। हैं? और वहां जाके बहुत ही दूर किसी दूर दादा देहात में जाके कोई अपना छोटा सा लाइव स्टॉक फार्म बना ले। ओह तानी, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। ओह, शहर से दूर ना, ब्यूटीफुल लाइव स्टॉक फार्म। हाँ दानी, अभी चंद दिन पहले मैंने अखबार में कहीं पढ़ा था। क्या? जिला खुशाब जो जो होते ना वो बाबची खाने में नहीं जाते। अरे तो पैसे भी बाबूजी खाने में ही छुपा देती है। मेरी जान, तो पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो। तो पता है मैंने कुछ जोड़ के रखे हैं, कुछ बात हम बहुत आराम से गुजारा कर सकते हैं। कब तक गुजारा करेंगे बानू? हर रोज का खर्च एक पैसे की आमदनी नहीं। नहीं नहीं बानू, हमें हमें इस बकवास जिंदगी से निकलना पड़ेगा। ठीक है दाना, हम चले जाएंगे यहाँ से। वो हो, निकलने का मतलब इस घर से नहीं है, शहर से नहीं है, इस बकवास जिंदगी से निकल रहा है, ये झूठी इमारत से। जिमखाने की मेंबरशिप, फला क्लब की मेंबरशिप, फला क्लब की मेंबरशिप, ये हम हर महीने 8-10 हजार रुपए जो इन पर फूकते हैं, इनका क्या फायदा? नहीं, कोई फायदा नहीं। ये तमाम ये सब इंटरनेशनल मैगजीन्स, दुनिया में क्या हो रहा है ये सब कुछ जानने के लिए हम अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्यों फेंके? ये सब है, ये सब इन्हें हम खरीद खरीद के हर माह अपने घर में जमा करते रहे, क्या फायदा बताओ? कोई फायदा नहीं, मैं कह रही हूँ कोई फायदा। 10 रुपए का खाना जो आदमी घर बैठ के खा सकता, हम जाके 50 रुपए का वही खाना रैकिंग में खरीद के किसी टेक अवे से लाते हैं। हमने घर में आसाइश की चीजें जमा कर रखी है जिनसे कोई आसाइश नहीं मिलती, किताबें जमा कर रखी है जो हम पढ़ते ही नहीं, कैसेटों का जखीरा बना रखा जो हम मुश्किल सुन सकते हैं, सब बकवास, सब धोखा, सब फ्रेम। हाँ दानी, अब हम कुछ भी नहीं लाएंगे, हम कुछ नहीं खरीदेंगे, हम कुछ नहीं लाएंगे दानी, ठीक है? मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल इनकी झोली में डाल दिए और उन्होंने मुझे क्या दिया? 1 लाख रसीद करके पागल दिया। अरे हमें तो उनको चाहिए था कि बहन बाजी के साथ रुक सक। तुम अपना जीना खराब करो, प्लीज तुम बीमार हो जाओगे। तुम्हें पता है क्या हमारे पास कौन सा म्यूजिक सुनने के लिए रह गया? वाह वाह, दीवार के उस पार, अब हमारे पास ये म्यूजिक सुनने को रह गया। 25 साल की मेहनत के बाद हमारे पास सुनने के लिए। दानी, क्या हुआ? तुम्हारे दर्द हो रहा सीने में? हाँ, मेरा सीना दुख रहा। दानी,
अगर ये हार्ट अटैक नहीं है, तुम्हें कैसे पता है कि ये हार्ट अटैक नहीं है? जब हार्ट अटैक नहीं है तो मैं क्या कहूँ? तुम्हारा सीना क्यों दुख रहा है? मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे पास नौकरी नहीं है। मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे दिमाग की नसें फट रही है और मेरे पास सैनिटाइजर भी उन्होंने नहीं छोड़ी। बच्चे सो रहे हैं। अब तो मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। अरे मेरा तो सब कुछ लूट गया, हमारा सब कुछ लूट के ले गए, खाली कर गए घर को, सिर्फ एक स्लीपर और तहमत छोड़ गए। बच्चे भी आराम हो गए तो तुम्हों पे चक्के डालो। अरे कौन सी इज्जत? किसकी इज्जत? कौन है किसकी इज्जत? बाकी रखी है कौन लोग? ठीक है, मेरे पिया ने बुरा भला कहा तो ठीक, मैं उसकी माफी मांगती हूँ, मगर खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें जरूर समझेगा वो एक दिन। हाँ देखेगा तुम। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। ऐसा तो किसी के साथ मैं तो ऐसा किसी को इसलिए दानी कि तुम जो ना तुम सबसे बहुत बढ़िया हो, बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, तो इन जैसे आखिर तुम्हे ये तो बहुत छोटे लोग, बहुत गिरे हुए लोग हैं दानी। देखो अगर तुम्हें नौकरी नहीं भी मिलती ना तो कोई बात नहीं दानी, मैं क्वालिफाइड सेक्रेटरी हूँ, मुझे छोटे नहीं होती है, टाइम भी नहीं आती, मैं कहीं भी जॉब कर लूंगी, मेरी हिम्मत है, सलाहियत है, मैं जॉब कर लूंगी। तुम बीमार हो गए और मुझे छोड़ के चले गए, बानी में आ गई, मैंने तो बहुत सख्त भूख लगी होगी, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे वास्ते खाना अभी तैयार करके मेज पे लगा देती। देखो सालन मैं तैयार करके गई थी और रोटियां तो मैं साथ लेकर आई, सिर्फ 5 मिनट लगे। ठीक है, मैं तो बानी पूरे पौने एक बजे दफ्तर से निकल पड़ी थी, 15 मिनट तो लग गए। मैं क्लाउड इतना रश होता है उस सड़क के ऊपर लंच ब्रेक में, क्या अपने बस का इंतजार उफ होगा। और हमारे बॉस जिलानी साहब ने कहा है कि भाई आपने पूरे 2 बजे वापस आना है, उफ तो
वो तो रिश्तेदानी ये भी कह रहे थे कि आपको शायद वो जुमा और हफ्ता भी आपकी जरूरत पड़ी, तो लेकिन नहीं भाई, ये जो जुमा और हफ्ता है ना, ये मैं शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो। ठीक है, मतलब कुछ पैसे तो बन जाएंगे, लेकिन मैं जुमा और हफ्ता में दानी, देखो मैं अपना वहां नहीं खराब करूं। देखो ना दानी, हम यूं भी कितनी देर इकट्ठे मिल रहे हैं। दानी प्लीज तुम आके मेरे पास बैठो ना, जब तक मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। सिर्फ 25 मिनट रह गए हैं वापस जाने में। डेस्क जॉब सिर्फ कहने का नाम है, सारा दिन तो इस कमरे से उस कमरे भाग के गुजर जाते हैं। तो आजकल काम का रश भी बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं तुम्हारे वास्ते जूस लेकर आई हूँ, ये देखो, ये ठंड सी पड़ गई दानी। पता है सुबह से ये पहला घूंट है जो हलक से उतरा है, वरना तो चाय पीने की भी फुर्सत नहीं होती। बहुत रश है काम का, थक जाती। ये समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहां से आ गई। ये शायद पिछले 20 साल से ये एनर्जी अंदर ही अंदर जमा हो रही थी। खैर, एक दफा मैं बोलना शुरू करूं दानी, फिर तो मैं रुकने का नाम नहीं लेती। अब मैं नहीं बोलूंगी और तुम मुझसे बात करो, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? अच्छा, मेरा ख्याल है तुम्हारा बात करने को दिल नहीं चाह। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुमने आज सारा दिन क्या किया? चाय खत्मी। सच? कहाँ? बेडरूम से यहाँ। बस? फिर बेडरूम से यहाँ और फिर यहाँ से बेडरूम वापस। और सुनो, सुनोगी? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारा बात करने को दिल नहीं चाह रहा तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मेरा तो मूड है बात करने का। 3 मरतबा वहां बालकनी कर गया, वहां से ट्रैफिक को देखता रहा, फिर वहां से बेडरूम वापस आया और वहां रेडियो खोल के खबरें सुनता रहा। आज बड़ा मसरूफ दिन गुजरा है मेरा। मुझे पता है कि तुम सारा दिन घर में अकेले रहते हो, बोर हो जाते हो। कल हम ऐसा करेंगे कि हम चिड़ियाघर चलेंगे और लंच साथ लेके जाएंगे। मैं चिड़ियाघर नहीं जाऊंगा, महीने भर से हर रोज वहां जाता रहा हूं। अब तो बंदर भी एक दूसरे को मुझे देखने ही क्यों नहीं मारते हैं। बोलो, आ गया। मैं तो इसलिए कह रही थी कि थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और थोड़ी सी वर्जिश हो जाएगी। चलो खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, किसी का फोन आया था? तुम्हारी माँ का आया था। मैंने तुमकी आवाज सुनते ही फट से बंद कर दिया। अच्छा, और किसी का? मैं कोई आंसरिंग सर्विस नहीं हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाकायदगी के साथ फोन अटेंड करूं, तो तुम बाकायदा मुझे इसकी तनख्वाह दो, मुझे तो काम की तलाश है। इसका मतलब है कि आज अखबार में कोई खास खबर नहीं थी। कौन सी खास खबर? आई थिंक यू अंडरस्टैंड, मैं मालूम है, मैं वांटेड कॉलम की बात कर रही हूँ। एक प्राइवेट क्लिनिक का ऐड आया था आज, उनको कुछ नर्सेस की जरूरत है। मेरी मुसीबत यह है कि मैं इस काम के लिए फिजिकली अनफिट हूँ। दानी, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। मैं भी तुमको सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। दानी देखो, मुझे पता है कि तुम बोर हो जाते हो, लेकिन आज तुम इसको फिर झुंझलाए भी क्या? आज, सिर्फ आज, और हफ्ते भर का कोई जिक्र नहीं कि जब मैं इस कमरे से उस कमरे में और उस कमरे से उस कमरे में, अब अभी की तरह चक्कर काटता रहा।
اس کا جو جتنی کتاب ہے جتنے رسالے تھے ان سب کے صفحے چاٹ چکا ہوں. کل میرا پروگرام ہے کہ اس گھر میں جتنے الیکٹریکل گیجٹس کے مینولز ہیں ان سب کو پڑھ کے ختم کر دوں. اس کے بعد میری زندگی میں کوئی کام باقی نہیں رہ جائے گا. دانی میں سمجھتی ہوں کہ میں گھر سے باہر ہوتی ہوں, دفتر میں تم بور ہو جاتے ہو. تم بتاؤ کہ میں کیا کروں دانی, میں کیا کروں؟ میں 47 سال کا ہوں اور تم دفتر سے آتی مجھے یہاں لنچ کھلاتی. دانی اس لیے کہ لنچ تمہیں کھلانا مجھے اچھا لگتا ہے دفتر سے آ کے, اس لیے دانی. میں تو کسی کو یہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. یہ ساری بلڈنگ میں ایک میں ہوں اور چوتھے فلور پر ایک معذور بچی جسے لنچ کھلانے کے لیے آتے. مجھے بلڈنگ والوں کی پرواہ نہیں ہے نانی. مجھے تو پرواہ ہے, وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ میرا ہاتھ منہ بھی تم دھلاتی ہو. کی تمہیں مجھے میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنا کھانا خود بنا سکتا ہوں یا پھر میں کہیں باہر جا کے کھا سکتا ہوں. میں تو اس خیال سے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی بچت ہو جائے گی اور بس. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. دفتر میں تمہارے اپنے پرابلمس ہوں گے. اب تمہارا گھر سے کیا تعلق ہے؟ تو تم دفتر کی عورت ہو, گھر کی عورت تو تم نہیں ہو. گھر کی ذمہ داری میری ہے, یہ میرا معاملہ ہے. مگر دانش میری جاب کا ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ جب تک تمہیں کوئی اچھی جاب نہیں مل جاتی ہے میں نوکری کروں گی. تو میں برا تو نہیں مان رہا ہوں, تم نے تو میرے اس بڑے کڑے وقت میں بڑا ساتھ دیا ہے. تم نے گھر کا سارا خرچ سنبھال رکھا ہے, ورنہ میں کہاں سے سنبھالتا؟ پھر اتوار بازار سے میرے لیے گفٹس لاتی ہو, کبھی کرتے کبھی شلوار, میں کہاں سے لیتا؟ دانی تم چاہتے ہو کہ میں نوکری چھوڑ دوں؟ تم جس وقت کہو کہ میں نوکری چھوڑ دوں. تم سمجھتی ہو مجھے نوکری کی تلاش نہیں, میں تمام دن گھر پہ ہاتھ میں ہاتھ پہ بیٹھا رہتا ہوں, یہی سمجھتی ہوں؟ خدا گواہ کہ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا دانی. میری عمر کے آدمی کے لیے یہ کام نہیں ہے. یہ لو بات, یہ دیکھو, میں سارا اخبار سامنے, کئی کام نہیں ہے. ویسے یہ اخبار میں نے سامنے والے فلیٹس کے دروازے کے نیچے سے کھینچ لایا. دانش خدا کے لیے بس کرو, اب ہم اس موضوع میں بات نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. اگر تم چاہو تو میں ساتھ والے فلیٹ سے منہ اندھیرے صبح کو دودھ کی پتیلی بھی اٹھا کے لا سکتا ہوں. کالو کہاں خبر نہیں ہوگی. خدا کے لیے بس کرو, مجھ میں حوصلہ نہیں رہا, مذاق بند کرو. ارے پھر میں تو گھر کے اخراجات میں تمہارا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن آخر کچھ میری طرف سے بھی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. دانی میں تمہارا لنچ لگا رہی ہوں, تم نے کھانا ہے تو پلیز کھا لینا, اور میرا وعدہ ہے کہ میں دفتر سے لنچ تمہارے واسطے لگانے نہیں آؤں. ٹھیک ہے؟ تمہیں ضرورت بھی کیا ہے, تم تو کسی اچھے سے چائنیز میں اپنے باس جیلانی صاحب کے ساتھ میز کے نیچے جوتیاں اتار کے بڑا عمدہ لنچ کھا سکتی ہو. میں بڑا عمدہ لنچ اپنے باس کے ساتھ جوتیاں اتار کے کسی ریسٹورینٹ میں نہیں کرتی. تو پھر اپنے کسی ینگ کولیگ کے ساتھ اسٹیک کھاتی ہوگی. مجھے پتا ہے کہ ان دفتروں میں کیا ہوتا ہے, کبھی میں بھی ان کی طرح ینگ ہوا. لیکن میں ینگ لڑکی نہیں ہوں. تو پھر تم شام کے 7 بجے گھر کی ہوا آتی ہوتی, سارے دفتر کے کام 5 بجے بند ہو جاتے. میرا کام 5 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے. ہاں, جم خانے کے لان کے کسی تاریخ گوشے میں. دانش اکرامی مجھے اپنی کانوں پہ یقین نہیں آ رہا ہے. I'm sorry, مگر مجھے یقین نہیں آ رہا. جب میں 7 بجے گھر لوٹتا تھا تو تم بڑی آسانی سے یقین آ جاتا تھا. دانی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری ساری زندگی کسی سنیما اسکرین کے اوپر الٹی چل رہی ہو, ٹوٹلی الٹی چل رہی. ارے شاید اس لیے مجھے کام نہیں ملتا کہ میرے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے. میرے پاس بھی یہ مسکارا, یہ لپسٹک, یہ اٹائر, یہ آؤٹ فٹ ہوتا تو مجھے بھی منٹ اور سیکنڈوں میں نوکری مل سکتی تھی.
मैं तुम्हारा खाना रख के जा रही हूँ, तुमने खाना है तो खाओ वरना मत खाओ, ठीक है? बाबा टाटा, थैंक यू जानी। देखिए दफ्तर से जल्दी लौट आइएगा और प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा। अरे हाँ सुनिए, घर के सौदे के लिए थोड़े से पैसे छोड़ जाइएगा। चलिए बाय बाय। दानिश मैं तुम्हें एक मशवरा दूं। कैसा मशवरा? तुम या तो अपने आप को संभालो या फिर किसी ऐसे डॉक्टर से मिलो जो तुम्हारे उलझनों को तुमसे बातें करके दूर कर सके। कैसे डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि मेरे अंदर अब हौसला नहीं रहा है मिस्टर दानिश बिलकराम। ये सब कुछ मेरे जिन की पैदावार है, तुम्हें कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम समझती हो गए ये बात इत्तेफाक की बात है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, या ये एक मुकद्दर की बात है? दानिश ये सिर्फ वक्त की बात है, हम एक कठिन वक्त से गुजर रहे हैं और बस। बोलो, मैं साजिश की बात कर रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, एक बहुत गहरी चाल। साजिश? खुदा है, कैसी साजिश? कौन सी साजिश? कैसी चाल? कौन सी साजिश? मैं बता रहा हूं तुमको। इस मुल्क में एक बहुत बड़ी गहरी साजिश चल रही है। किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ। तुम्हारे खिलाफ? मेरी जात के खिलाफ नहीं, अगर मैं भी उसका एक निशाना हूं। वो स्टेटस क्यो को मिटा देना चाहते, वो सिस्टम को बदल देना चाहती है। ये वो लोग हैं जो मुझे अकेले के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, वो सबके पीछे पड़े हैं। तुम्हारी बहनों के पीछे, बेटियों के पीछे, अजीजों के पीछे, तमाम असातिज़ा के पीछे, स्कूलों के पीछे, तालीम के पीछे, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के पीछे, तारीख निस्वा के पीछे। ये है जो इनका निशाना। तुमने तो सभी के नाम गिनवा दिए, तुम्हें बाकी कौन रह गए? नहीं बाबू, कुछ लोग बाकी रह गए हैं। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो फिर रह गए होंगे। मुझे पता है कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। मैं काम 24 घंटे खुले और तमाम इत्तलाक मुझे इतना नहीं। देखो यहाँ बैठो, सिर्फ एक मिनट के लिए यहाँ मेरे पास। देखो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, मुझे तुम पर कितना भरोसा है और हमेशा से रहा है दानी, हमेशा रहा है। मैं तुमसे ना एक बात करना चाह रही हूँ, लेकिन उस बात का ना कोई गलत रंग में क्यों ना उस बात तुम समझती हो मैं पैरानॉइड हो गया हूं। नौकरी छूट जाने की वजह से मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। मैं समझती कि ये एक साजिश है बानो, मैं तुमसे कह रहा हूं ये साजिश। कैसी साजिश? कौन है इस साजिश के पीछे? इंसानी नस्ल। ये इंसानी नस्ल है जो इसकी जिम्मेदार है। इंसान के जज्बों की जबूहानी, इंसान ने अपने आप को गिरा लिया है। वह हर लम्हा हर आन अपने आप को मिटाने पर तुला हुआ है। इंसानी नस्ल इसके इस बेरोजगार की जिम्मेदार है। क्यों तुम्हें हैरत हो रही है? इसलिए कि मैं समझती थी कोई और है इसके पीछे, किसी और का हाथ है। अरे तुमसे तो बात ही करना बेटा, तुम नहीं समझ सकोगी, तुम नहीं समझ सकोगी बानो, क्योंकि तुम इस कैफियत से गुजरी नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है जिस कैफियत से मैं गुजरा हूं। तुम इस कैफियत से नहीं गुजरी हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बालकनी में किसी ने ऊपर से पानी की भरी हुई बाल्टी नहीं फेंकी है। मैं उसको भूला नहीं हूं, मैं तुझे भूला नहीं हूं और कभी नहीं, मैं तुझे भूला नहीं हूं। खुदा प्लीज देखो झगड़ा मत करो, प्लीज यहाँ बैठ जाओ, प्लीज रिलैक्स, प्लीज दानी देखो झगड़ा
मेरी बात गौर से सुनो। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हर कीमत पर, ठीक है ना? पता क्या, समझता ना उसे भूल गया, उसे भूला नहीं वो, समझता ना इसकी शक्ल नहीं पहचानूंगा मैं, इनकी शक्लें पहचानता हूँ, सब कमीनों की शक्लें एक सी होती है, और मैं तुझे भूला नहीं हूँ कमीने। मुझे किसी ने डॉक्टर के बारे में बताया, कहते हैं बहुत काबिल डॉक्टर है, और जिस कैफियत से तुम इस वक्त गुजर रहे हो ना, उसका वो पूरा तजर्बा रखता है, ठीक है? मैं अभी उसका नंबर निकाल के लाती हूँ, अभी ढूंढती हूँ, और आज भी लंच के बाद वापस दफ्तर नहीं जाऊंगी, ठीक है? जैसे ही मुझे टाइम देगा मैं तुम्हें आज ही डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, ठीक है? मैं नंबर लेकर आती हूँ। बस मैं तो उसके इंतजार में बैठा हुआ, मैं तो उसकी ताक में बैठा हुआ, बोलूं एक दफा मेरे हाथ आ जाए वो, फिर तुम देखना सारा बदन छलनी हो जाए, अरे तेरी तो चला भी नहीं हो सकेगी। नहीं यहाँ क्या हो रहा है, इनका पर्स ने तुमसे तुम्हारे कपड़े तक उतरवा दिए, हाँ ये तुमसे एक एक चीज छीन ले, मानो तुम्हारा ट्रैंक्रोलाइजर, तुम्हारा टेलीविजन सेट, तुम्हारा वीसीआर, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारी नौकरी, एक एक चीज, एक चीज मानो छीन सकते, वो है दिल, ज़हनी इस्लाम, ये है तुम्हारा ज़हन जिसको नहीं छीन सकते, ये है मेरा खुफिया अफ़सर, मेरा ज़हन, हाँ हेलो हेलो डॉक्टर यज़दानी जी, मैं कहाँ बोल रही हूँ जी, आई एम सॉरी मैं मिसेस दानिश बात कर रही हूँ जी, नहीं आई एम सॉरी जी एक इमरजेंसी आ गई है जी, इट्स माय हस्बैंड जी, मैं क्या करूँ मेरे जी, प्लीज मुझे आपसे टाइम चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अपनी जान नहीं आ सकता क्योंकि मैं तेरे सामने से तेरी मौत बन करके मोटरसाइकिल पर एक बुलेट को एक ट्रेन कटा बन कर जाऊंगा, माफ कीजिएगा मैं जरा डॉक्टर से टेलीफोन पे बात कर रही थी, दानिश बस अभी आते ही होंगे। कैसी तबीयत है दानिश की, डॉक्टर क्या कहता है? जी कुछ वसूख से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दानिश बिल्कुल बुझ से गए हैं, उन्हें अपना बिल्कुल होश नहीं रहा है, घंटों कुर्सी में बैठे रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, सबसे लाताल्लुक से हो गए हैं। खैर अभी वो आएंगे तो आप मिल लीजिएगा, लेकिन पहले वाले दानिश वो बिल्कुल नहीं रहे, बिल्कुल बदल से गए हैं। तो ये नर्वस ब्रेकडाउन है क्या? अरे भाई हमसे क्या पर्दा, आफ्टर ऑल वी आर वन फैमिली, एक खानदान ही तो है। जी हाँ आप इसको नर्वस ब्रेकडाउन ही समझ लीजिए। तो डॉक्टर की तजवीज क्या है? वो कहता है कि मुकम्मल आराम और इलाज से दानिश ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। वक्त कितना वक्त लगेगा, महीना दो महीना या दो महीने से भी ज्यादा? जी महीना भी लग सकता है, दो महीने भी, और दो साल भी लग सकते हैं। नहीं नहीं दो साल तो नहीं लगने चाहिए, ऐसा है बानो के, अच्छा तुम बैठो, आप
ऐसा है बानू कि दानिश की तरफ से हम सब, यानी मैं और हमारी तीनों बहनें, हम सब बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत ज्यादा। आखिर वो हमारा भाई है और हमें मालूम है कि तुम उसकी बीवी हो और तुमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा तुम उसके लिए जरूर करोगी, लेकिन शायद ये काफी ना हो। तो ऐसे आड़े वक्त में हम सब ने ये फैसला किया है कि तुम्हारी मदद करें। हमने आपस में तय कर लिया है सब कुछ और ट्रीटमेंट के जितने भी अखराजात हैं वो हम अदा करेंगे। तुम बेशक घर के अखराजात संभाल लो, लेकिन इलाज की तरफ से फिक्र ना करना, वो चाहे जितना भी हो, ख्वाह कितना हो, हम अदा करेंगे। ख्वाह कितना ही क्यों ना, आप यकीन कीजिए कि आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत ढारस सी हुई है। मतलब नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये बता दो कि तुम्हारे ख्याल में उसके इलाज पर खर्च कितना बढ़ जाएगा। ये कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि जितना लंबा इलाज चलेगा उतनी ही लंबी रकम भी लगेगी। भाई ये रकम का मसला तुम्हारा नहीं, हमारा है। देखिए अब इसमें हो सकता है कि 2-4 लाख भी खर्च हो जाए। भाई अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि खर्च कितना बैठता है। बहनों का जितना शेयर बनता है वो जितना दे सकती हैं वो दे देंगी, बाकी की जितनी कमी है वो मैं अपने पास से पूरी कर दूंगा, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो या 10 लाख हो, व्हाटएवर। बस दानिश के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतें मुहैया होनी चाहिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। I'm really touched, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई, हमारा तो ये फर्ज है, हमें पूरा करने दो। मैं जानती हूँ कि पिछले कई सालों से हमें मिलने मिलाने का ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन ऐसा है मुझे इस बात का। पिछले 9 साल से, आज पूरे 9 साल के बाद हम इस तरह से इकट्ठे बैठे हैं। इतने साल हो गए, शायद इसमें मेरी गलती होगी, मैंने आप लोगों को समझने की कोशिश ना की, या फिर शायद आप लोगों की गलती होगी, आप लोगों ने मुझे ना समझा। लेकिन आप लोगों ने जितना हमारे लिए महसूस किया है उसके लिए मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत इज्जत है। लेकिन आप सच जानिए कि हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। देखिए हमने पिछले कुछ सालों में कुछ जोड़ जमा कर रखा है, और फिर मेरी जॉब है, मेरे जेवरात है जो मैं बेच सकती हूँ। तुम्हें जेवरात बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फिर दानिश की अपनी बीमा पॉलिसी है जो वो कैश करवा सकते हैं। अगर आप लोग कुछ, मेरा मतलब है, करना ही चाहते हैं तो इसके और भी तरीके हैं। मैं दरअसल दानिश के मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ, मुझे बहुत फिक्र है उसके बारे में। हम सबको है बानू, किसको नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि दानिश यहां से दूर, मेरा मतलब है कि शहर से दूर किसी दूर दराज देहात में जाकर कोई अपना सिलसिला वगैरह शुरू कर ले, तो वहां पर ज्यादा सुकून और इत्मीनान नहीं होगा क्या? Why not? यकीनन होगा, यकीनन। हमने दरअसल एक लाइफ स्टॉक फार्म की स्कीम सोची थी। That's very good. It's an excellent idea. ये तो बहुत अच्छी बात है। और इत्तेफाक से एक लाइफ स्टॉक फार्म जिला खुशाब में काबिल फरोख्त भी है। That's great. अगर
वो फॉर्म हम लोग खरीद लेते हैं तो अगली सर्दी में वहां चले जाए। वंडरफुल, बहुत अच्छा ख्याल है ये। उस फॉर्म के लिए वो लोग 25 लाख कैश मांगते हैं। अगर आप वो रकम में बतौर कर्ज लाइफ स्टॉक फार्म के लिए दे दें, क्योंकि लास्ट के लिए तो मेरे पास पैसे हैं, तो आप वो रकम जो हमें कर्ज देंगे तो आमदनी जो होगी लाइफ स्टॉक फार्म से, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता वो आपको कर्जा जो है वो लौटाते रहेंगे। लाइव स्टॉक फॉर्म 25 लाख रुपए, और उसे चलाएगा कौन? एक नर्वस ब्रेकडाउन का मरीज? मैं तो समझी थी आप उसकी मदद करना चाहते हैं दानी की। आप उसको इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं, क्या फार्म के लिए नहीं दे सकते? देंगे, जरूर करेंगे उसकी मदद, लेकिन जब वो बीमार नहीं होगा तब, जब वो तंदुरुस्त होगा हम जरूर करेंगे। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप इलाज के लिए पैसे दे दीजिए, मैं अपना जमा जत्था जो वहां पे लगा दूंगी। बहुत अच्छे, यानी कि हम दानिश का इलाज करवा के उसको सेहतमंद बनाए और आप अपना पैसा लगाकर फार्म में नुकसान कर दें, और एक दफा से फिर दानिश बीमार पड़ जाए और तुम दौड़ी हुई आओ हमारे पास कि एक डॉक्टर की और जरूरत है। अगर आप उसके इलाज के लिए पैसे देने को तैयार थे तो फार्म के लिए आप नहीं दे सकते। तो चलिए खैर, भूल जाइए बात। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं हैरान बहुत हूं इस बात पर कि आपने हामी भर कैसे दी। खैर, मुझे खुशी इस बात की है कि जब दानी दोबारा सेहतियाब होकर वापस आएंगे तो आप हमें मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त हमें आपकी बहुत मोहताजी होगी। माफी चाहती हूं, मुझे दफ्तर वापस जाना है। एक्सक्यूज मी, अगर आइंदा 9 साल तक दोबारा हमारी मुलाकात ना हो तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। हेल्प यू सेल्फ। खुदा हाफिज़। ऐसी हालत में वो शख्स लाइव स्टॉक फार्म चलाएगा। अभी जुमेरात को मैंने उस टेलीफोन पे बात करने की कोशिश की तो उसके मुंह से ठीक तरह से हेलो नहीं निकल रहा था। लाइव स्टॉक फार्म 25 लाख रुपए, तो दानिश के साथ ही बात होगी, उसके साथ में कुछ तो अकल की बात कर सकता हूं, उसे तो सिर्फ नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन इस औरत के साथ क्या अकल की बात की जा सकती है, ये तो पागल। Thank you.
वॉक का मजा। हेलो हेलो दानिश, यहां से कोठारी फ्रेज, वहां से कसीनो, प्ले लैंच और पूरा चक्र लगा के को मालूम नहीं होना चाहिए। उसने बहुत दूर जाने से मुझे मना किया। दानिश दानिश, तुमने मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? आरिफ, सगे भाई को नहीं पहचानूंगा। कैसी बात करते हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं यहां बैठ जाऊं? बैठ जाओ बैठ जाओ। बुरी खबर? क्या किसी को खानदान में हो गया? नहीं नहीं नहीं, सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तुम बैठो, तुम बैठ जाओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है दानिश। बोलो बोलो। वो दानिश, क्या बात यह है कि खैर कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही मिलने को जी कर रहा था, मैं आ गया। अच्छा किया, अच्छा कि तुम ये बीमारी से क्यों लेते? इतनी मेहनत मत क्या नहीं की खातिर तुम बहुत मेहनत करते हो। ऐसा मत किया करो, ऐसा तो इंसान को बदशक्ल बना देता है। तुम्हारी शक्ल पशु की तरह बदसूरत होती जा रही है। नो नो नो, ऐसा मत किया करो आरिफ। तुम ठीक कहते हो। मैंने डॉक्टर से 3 बातें सीखी हैं। एक, दिमाग को बिल्कुल ढीला छोड़ो, किसी चीज को दिल का आजार मत बनाओ, और बालकनी पे जाने से पहले अच्छी तरह सोच लो क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी है। हेलो, देखिए मैं मिसेस दानिश बात कर रही हूँ, 16A फ्लैट से। यहाँ पानी नहीं है, एक बूंद पानी की नहीं है। मैं आपसे यर्स कर रही हूं, सुपरवाइजर कहां है? बिल्डिंग सुपरवाइजर की बात कर रही हूं। अगर वो पाइप की मरम्मत कर रहा है तो उसको बिल्डिंग में होना चाहिए। जी नहीं, मैंने लिफ्ट में कोई नोटिस नहीं पढ़ा है। जी हां, किचन में लाइट भी नहीं है। जी नहीं, सिर्फ किचन में नहीं है। क्या
مطلب ہے کہ میں 9 بجے تک یا 10 بجے تک انتظار میں بیٹھی رہوں؟ کمال کرتی ہے، سارا کھانا فریج میں پڑا خراب ہو رہا ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں انتظار میں بیٹھی رہوں؟ دیکھیے آپ کے شوہر جہاں بھی ہیں ان کو فوراً بلائیے اور یہاں بھیجیے ان کو، یہاں جی ہاں 16 میں فوراً بھیجیے، مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی۔ گھر میں پانی نہیں ہے، پائپ ٹھیک ہو رہا ہے، پتہ نہیں 7 بچے 9 بچے، اور ہاں کچن میں مت جانا، وہاں لائٹ نہیں ہے، فریج بند پڑا ہے۔ میں اب اس بدبخت ڈاکٹر کے پاس آ کے نہیں جا رہا ہوں، ایک نمبر کا چور، تمام وقت بیٹھ کر کے صبح کو پائپ صاف کرتا رہتا ہے، جب اسے بور ہو جاتا ہے تو پھر مجھ سے پوچھتا ہے۔ میرا دانش ٹائم کیا ہوا ہے، ٹائم بتاتا تو کہتا ہے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، جائیے نیکسٹ ویک پلیز۔ اور تم سے سچ کہہ رہا ہوں بھانو، اگر مجھے ذرا بہت فرق پڑا ہے میری اپنی کوششوں سے پڑا ہے، وہ تو میرے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے، گھنٹے بھر کے 1000 روپے ایٹ لیتا، تم اس لیے سارا سارا دن اپنی جان کا پاتی ہو کہ اس کی فیس بھرو؟ لالت اس تیزی سے یہ تمہارے بال سفید ہو رہے ہیں، میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، میں اگر بالکل ٹھیک ہو گیا تو تم سے 5 سال بڑا لگنے کی بجائے تم سے 5 سال چھوٹا لگوں گا۔ میری فکر مت کرو، جہاں میں کام کر رہی تھی وہاں میرے واسطے کام باقی نہیں رہا ہے۔ کیا چھٹی ہوگی تمہاری؟ جب وہ خود نہیں رہے تھے وہ مجھے کیا رکھے، کمپنی دیوالی ہوگی، کاروبار بہت بہت زیادہ پھیلا لیا تھا انہوں نے اپنا، ایک پارٹنر کو تو شاید جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ جائے۔ کوئی کمپنی ایک دن میں تو دیوالیہ نہیں ہو جاتی نا، تمہیں پہلے سے کچھ تو خبر ہوگی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ مجھے کوئی خبر نہیں تھی، اگر تھی بھی تو میں ڈر سے سوچنا نہیں چاہتی تھی، دانی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دانی یہ ساری دنیا سے روزگار اٹھ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اٹس آل رائٹ۔ مجھے اپنے ملک میں بہت مان تھا دانی، میں سمجھتی تھی کہ اپنا ملک ہے تو سب کچھ ہے، جب اپنے ملک پہ بھروسہ نہ ہو تو پھر کس پر ہوگا؟ اپنے اوپر بانو، اپنے اوپر، ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا شہر یکدم سکڑ کے یوں رہ جائے گا، یہاں سے کاروبار اٹھ جائے گا۔ بانو تمہاری صرف نوکری گئی ہے، خدا نہ خاصا زندگی تو نہیں چل گئی ہے۔ پتا ہے دانش، آج جب میں گھر آ رہی تھی نا تو میرے ذہن میں صرف ایک خیال تھا کہ جب میں گھر واپس آؤں گی تو میں خوب جی بھر کے نہاؤں گی، خوب اچھی طرح گرم پانی سے میں نہاؤں گی۔ جب میں گھر آئی تو پتا چلا کہ نوکری تو چلی گئی، ساتھ پانی بھی چلا گیا۔ آ جائے گا نا پانی، پانی بھی ہمیشہ کے لیے تو نہیں چلا گیا ہے نا۔ مجھے کہو، مجھے جا کے کہو کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی دے۔ بانو بانو پانی بند ہے نا، اب دیکھو یہ میرے اختیار کی بات تو نہیں ہے نا۔ جاؤ جا کے ہتھوڑوں سے پائپ کو پیٹو، جاؤ جا کے کہو کہ اوپر ایک لاوارث لاش ایک آخری غسل چاہتی ہے، جاؤ جا کے مجھے کہو، اگر مجھے پانی نہیں ملا تو میں پاگل ہو جاؤں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی، بتا رہی ہوں۔ عقل سے کام لو، عقل سے کام لو بانو، کوئی بات نہیں ہے۔ تمہارے کہنے پر اس دن میں نے دیوار پیٹی تھی، پیٹی تھی میں نے دیوار، تم میرے کہنے پر پائپ نہیں پیٹ سکتے، جاؤ جا کے پائپ کو پیٹو، جاؤ۔ پلیز بانو خدا کے لیے سمجھا کرو بات کو، ہو جاتا ہے ایسا، کوئی بات نہیں میری جان، کوئی بات نہیں۔ کوئی بات کیسے نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، یہ تم کیا کیوں کہہ رہے ہو کہ کوئی بات نہیں، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟
क्वेश्चन, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, बैठो। पता है क्या दानिश, मुझे पता नहीं होता मैं क्या कह चाहती हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। आज बस में कंडक्टर को जब पैसे खोलने के लिए मैंने अपना पेट्रोल उठाया, उठा नहीं खोला तो बोला उस बच्चे का, उसने आगे पेट्रोल खोल दिया। नहीं नहीं बानू, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। जान मेरी, तुम्हें बड़ी हिम्मत है। नहीं, हम्म, मेरे अंदर अब सिर्फ गुस्सा रह गया है, हिम्मत नहीं रही, सिर्फ गुस्सा रह गया। जाओ, सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे कौन संभालेगा? क्या मैं, मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल नहीं किया, इसी बात कर रही हूँ। तो फिर हमारा ख्याल कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा बानू, नहीं करूंगा। क्यों? अरे तुम्हें तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा? हाँ, ऐसा करो कि ये शहर जो है ना, इसे छोड़ दो, ये हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं गुजारा कर लूंगी, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। ठीक है, मैं तैयार नहीं रहना। हाँ, कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक या दो बार मुझे ना बस पानी चाहिए नहाने के लिए, प्लीज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ नहीं रहेंगे मेरी जान, हम यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये बदमाश सुपरवाइजर होगा, ये सुपरवाइजर। तुम ऐसा करो कि तुम जाकर के मिस्टर प्रदीप, जब तुम्हें तबियत ठीक नहीं है ना बानो, मैं उससे बात कर लेता हूँ, यदि जब पानी आएगा ना तुम नहा लेना, पानी आ जाएगा। ठीक है, जैसे भी मैंने ऐसे तुम्हें झड़प दिया, अरे मुझे माफ कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ मैं सुना। मुझे मालूम नहीं था कि तुम कराची आए हो। हाँ, मैं कुछ काम थे मुझे यहाँ। बैठो, तुमसे भी कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। मानो नहीं इधर, वो जरा आराम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। मैं जानता हूं वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। ये बात नहीं है, थक गई है, वो दफ्तर से आके लेट गई। अरे छोड़ो, भारत मुझे पसंद नहीं करती, ना सही। ये कोई जरूरी है कि सभी पसंद करें? अलबत्ता तकलीफ जरूर होती है कि वो मेरे भाई की बीवी है। मुझे ज्यादा देर नहीं ठहरना यहां,
लो, ये तुम्हारे और बानो के लिए एक हकीर सा तोहफा लाया हूं। ठीक है, ये चेक। अब तुम बड़े शौक से लाइव स्टॉक फार्म जाकर खरीद सकते हो। ये तो 25 लाख रुपए का चेक है। इसमें मेरा और तीनों बहनों का बराबर का हिस्सा है। मैं कल फोन करके उन्हें बता दूंगा कि रकम पहुंच गई। मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो खैर मैं खुद भी नहीं हूं कि एक लाइव स्टॉक फार्म खरीदने की तुक क्या हो सकती है, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी यही है तो चलो हमारी भी खुशी यही ठहरे। आरिफ, बानो ने ये पैसे तुमसे कब मांगे? क्या फर्क पड़ता है भाई, बात खत्म हो गई। हम सब तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते थे, सो हमने कर दिया। अब हमारा दिल मुतमईन है। देखो आरिफ, नंबर एक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नंबर दो, मुझे ये नहीं चाहिए। अब तुम बेकार को मत उलझो मुझसे इस तरह। पूरा 1.5 महीना सर्फ हुआ है मेरा इसका फैसला करने में। मैं तुमको किस तरह समझाऊं, मैं ये रकम नहीं दे सकता ना। नफा देखो दानिश, अगर मैं तुम्हें कोई खुशी दे सकता हूं तो तुम मुझसे यह क्यों छीन रहे हो? तुमने मुझे खुशी दे दी आरिफ, जब तुमने मुझे ये चेक दिया मुझे खुशी मिल गई। अब अगर तुम इस चेक को फाड़ के मेरे सामने यहां पर फेंक लो तो तुम मुझे ज्यादा खुशी दोगे। अगर किसी को आस पास पता चल भी जाए कि तुम इतनी भारी रकम का चेक लेके फिर रहे हो जेब में, तुम यहां से अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच सकोगे, अगवा हो जाओगे। यस, तुम बाकी बहनों को तो कभी ना करते ही नहीं हो, एक मुझसे तुम्हें चिड़ क्यों है? एक मैं ही सारे खानदान में काली भेड़ क्यों हूं? उनमें और तुम में फर्क है। वो तीन मालदार बेवा होते हैं, वो अपने छोटे भाई के लिए कुछ करके सबके भाई को के खुश हो जाती। मैं तो 13 साल की उम्र से ही रोजगार की तलाश में निकल गया था। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था कि मैं सबका चहीता लाडला बन सकूं। अगर तुम सबके चहीते और लाडले बनना चाहते हो आरिफ, मुझे कोई इतराज नहीं। तुम कहो तो मैं तीनों बहनों को बुला कर इनके सामने कह दूं कि भाई आज से खानदान का चहीता और लाडला मैं नहीं हूं, आज से खानदान का चहीता और लाडला आरिफ। बस खुश, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। ये तो एक फितरी बात है, जो भाई घर में ज्यादा होता है वो सबका लाडला होता है, जो घर में नहीं होता वो नहीं होता। देखो आरिफ, इसे अब बदअखलाकी न समझना, लेकिन बात सुनो, बालों की तबीयत ठीक नहीं है और घर में पानी बिल्कुल बंद है, किचन में लाइट भी नहीं है, सारा फ्रिज में जो खाना पड़ा हुआ है सब खराब हो रहा है। भाई मेरे, मेरे पास इस वक्त इस बात में पढ़ने का वक्त नहीं है कि तुम खानदान के लड़के क्यों नहीं हो, समझे? तुमने कभी अजरा के घर फैमिली एल्बम देखा? उसमें मेरे बचपन की एक तस्वीर नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं तमाम फ्रेम से आउट हूं। I'm out of each and every frame। और तुम्हारी
तुम्हारी कुछ नहीं तो दर्जनों के हिसाब से तस्वीरें लगी हुई है वहां। कभी तुम ट्राइसिकल पे हो, कभी तुम हजाम की कुर्सी पर बैठे हो, हत्ता कि तुम्हें अंगूठा चूसते हुए भी दिखाया गया है। हाय हाय हाय, ये तो तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है आरिफ। हाय 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 हाय, बड़ी ज्यादती। लेकिन तुम अगर चाहो तो इसका अजाला अभी भी हो सकता है, मैं कर सकता हूं। कैसे? इधर आओ, और करीब आओ। अब मैं कानों की लबों को होठों में दबा के दांतों से कतरना शुरू करूं तो कैसा रहे? खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया। राम ऑन बेबी ट्राई। हाय बेबी, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम बिल्कुल चलाई 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 की भी हो ना इलाम चलाई की भी हो ना इलाम। बानो बानो, क्या बात है दानी? खैर तो है? तुमने आरिफ से पैसे मांगे थे लाइव स्टॉक फार्म खरीदने के लिए? 25 लाख रुपए तुमने आरिफ से मांगे थे? मैंने कोई नहीं मांगे थे, उन्होंने खुद कहा था कि वो तुम्हारे इलाज के लिए देना चाहते हैं। मैंने कहा इलाज के वास्ते मेरे पास पैसे हैं, अगर देना ही चाहते हैं तो लाइव स्टॉक फार्म के लिए दे दे। तुम्हें पता नहीं कि अपने घर वालों से पैसे मांगना कितनी गिरी हुई बात है? तुमने मुझे जलील किया। पैसे तो मैंने मांगे थे, तुम कैसे जलील हो गए? जलील तो मैं हुई ना? तुम तो आराम से किसी पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। मैं आराम से पार्क में चहलकदमी नहीं कर रहा था, मैं तो गोलियों के खुमार में था। मैं नहीं था जो चहलकदमी कर रहा था, वो गोलियों का खुमार था, मैं तो शर था। मुझे क्या परवाह कि तुम क्या थे? आइंदा तुम जलील होना और मैं शर रहूंगी। क्या? अरे अरे, तुम्हें पता तुम किससे बात कर रही हो? अरे तुम्हें कैसे आदमी से बात कर रही हो जिसको अभी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है? अरे तुमको एक बीमार आदमी का भी ख्याल नहीं रहा? इस वक्त तुम बीमार तो नहीं लग रहे हो? बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे हमेशा तुम लगते थे। अरे इस वक्त की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं गोलियों के असर में था। काश दानी इस वक्त भी तुम गोलियों के असर में, तुम्हारी ये चीखे तो नहीं मुझे सुननी पड़ती। ये तुमने बाबलो कब किसको कहा है? तुम पर तुम्हारे बाप ने शर्म होता। अरे तेरा मियां मेरे मियां के आगे बेचता क्या है? जुबान औरत। हाँ हम वो पानी भूले नहीं है, हमें याद है वो पानी। तेरा मियां खाना नहीं होगा अगर तुमने बकवास कर देगी तो मैं गुस्सा ला देगा तुम्हें। अरे किस चीज से गुस्सा देगा? क्या पानी जुड़ता है? झगड़ा नहीं करते, शाबाश बुरी बात है। माफ करना जी, वो प्लीज आप मेरी बीवी की बातों का प्लीज बुरा ना बनाए। हम तो आपस में कुछ बातें कर रहे थे आपके घर में, तो आप उसका बुला दे ना, ना, ना प्लीज प्लीज आई बेग यू।
पानी, इनको पानी कहां से मिल गया? इनके पास हमेशा पानी होता है, ये पानी को जमा करके रखते हैं। हम जैसे ऊपर देखने के लिए दानी, तुमने तो बहुत फर्क आ गया है दानी, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं था, बस ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई हो, अब उतर गई हो। तुम ठीक कहते हो दानी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने वाकई इस तजर्बे से गुजर कर बहुत कुछ सीख लिया है, तुम तो बहुत बुलंद हो दानी, तुम इन जैसे छोटे लोग कम नहीं हो, ये तो बहुत अकीर लोग हैं, तो बहुत बुलंद हो, मुझे तुम पर बहुत नाज है दानी, बहुत नाज है। दानी पानी आ गया, पानी आ गया दानी, ओह मैं जी भर के नहाऊंगी, जी भर के नहाऊंगी दानी। तुम वहीं बैठे रहना, मोमबत्ती ला दे, हटा ना वहां से, अंधेरा गिर जाओगे नहीं तो। अच्छा मैं मोमबत्ती तलाश कर रही हूं अभी। लो मिल गई मोमबत्ती। दानिश, दानी, दानी, दानिश, Mm-hmm.